नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। UPSC IAS PT 2020 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में, याद रखिए 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है और उसमें भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में बात कर रहा है, में नील की खेती का ह्रास हुआ। इंग्लिश में समझते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century बिकॉज ऑफ, किस कारण से। याद रखिएगा, सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि कहां की बात कर रहा है, तो भारत की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, तो इंडिगो कल्टीवेशन की बात कर रहा है। और ये डिक्लाइन हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और कब हुआ है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20th century जो है, इसका जो बिगनिंग है, जो आरंभ है, उस समय की बात कर रहा है। तो कहता है ये 20th century का जो बिगनिंग हुआ है, उस समय में इंडिगो कल्टीवेशन जो भारत में डिक्लाइन किया है, इसका क्या कारण है, इसको आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों कारण्स दिए हुए हैं, इनमें कौन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। फिर से इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, इन चारों में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वही आंसर होगा। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका जो दिमाग का, आपके माइंड का, या आपका जो एबिलिटी है, जो आपका कैपेबिलिटी है, इसका टेस्ट है कि आप बताइए इसमें कौन सबसे सही आंसर हो सकता है। देखिए चार ऑप्शन है। पहला कहता है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, फिजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, पहली बात। दूसरी बात कहता है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका और लाभकार होना, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, एंड द सी ऑप्शन कहता है, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, नेशनल लीडर्स अपोजिशंस टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, एंड द डी कहता है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। ये चार ऑप्शंस हैं। आप सब कहेंगे कि इसमें जो पहला है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। जो लास्ट ऑप्शंस है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं हो सकता। लेकिन ये जो तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों में अगर आपका डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये तीनों सही हो सकता है। लेकिन ये चार, तीनों में से किसी एक को आपको सही मानना पड़ेगा। क्या है, तो उसको बारे में समझते हैं। क्यों, इसका आंसर तब निकलेगा जब आप इस समय को ध्यान दीजिएगा, बिगनिंग वर्ड को पकड़िएगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग द 18th century क्या हुआ था। 18th century का मतलब समझते हैं, 700 की बात करता है, 1700 की बात करता है ना। इस 1700 में क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पिक्ड पेस, बहुत तेजी से यह इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। स्पेशली 1750s से तो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट, बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया था। द नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। इसके कारण इंक्रीज हुआ किस चीज का डिमांड, तो इंडिगो का डिमांड। ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इंडिगो प्लांट है, इस इंडिगो प्लांट से इंडिगो बनाया जाता था। इस इंडिगो, इसका हिंदी नील होता है, नील की खेती, नील, इस इंडिगो प्लांट से, प्लांटेशन से फिर इंडिगो प्राप्त किया जाता था। और ये इंडिगो को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए डाई के रूप में, रंगने के रूप में यूज किया जाता था। ब्रिटिश स्टार्टेड प्रोमोटिंग इंडिगो कल्टीवेशन ऑन इंडिया, इसीलिए ब्रिटिश ने इंडिया में इंडिगो जो कल्टीवेशन है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ख़ास करके भारत का जो क्लाइमेट था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट था, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल था, स्पेशली बंगाल एंड बिहार का ये क्लाइमेट। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं, हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं। इंडिगो वॉज मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज, इसको याद रखिएगा, कॉमोडिटीज होना और उसमें भी प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज होना, कहाँ पे? तो यूरोपियन जो मार्केट था उसमें ये जो इंडिगो था बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज था और उसको वहाँ पे ब्लू गोल्ड भी कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब समझिए इंडिगो कितना इंपॉर्टेंस था। अब बात करता है इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इस समय क्या हो रहा है? तो इस समय में जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसमें फॉलिंग होना शुरू हो गया था। क्या कारण था? तो माइनर रीजन की अगर बात करें तो रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स एंड ऑपरेसिव जमींदारी सिस्टम, इन दोनों के कारण जो इंडिगो का कल्टीवेशन था वो डिक्लाइन करना शुरू हुआ, फॉलिंग हुआ। लेकिन यह जो है सम निगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ इंडिगो फार्मिंग पे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं थे, माइनर रीजन थे, माइनर फैक्टर थे। इसके कारण एक जगह पे अगर डिक्लाइन हुआ, जैसे बंगाल में डिक्लाइन हुआ तो बिहार में बढ़ गया, बिहार में कहीं डिक्लाइन होगा तो यूपी में बढ़ गया होगा। मतलब ये जो है प्रॉफिटेबल कॉमोडिटी था, इन दोनों चीज़ों के कारण, रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स एंड ऑपरेसिव जमींदारी सिस्टम के कारण एक जगह पे अगर डिक्लाइन करेगा तो दूसरे जगह पे ये अपने आप जो है दूसरे जगह पे ये होना शुरू कर देगा, लोग वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज था। कहता है तो इसका क्या कारण था, ऐसा कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर था, डिसाइडिंग रीजन था जो इसके लिए, इनके फॉलिंग के लिए, इसके डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार था? तो बहुत सुंदर बात है, इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब क्या हो गया कि फैक्ट्री में इंडिगो जो है बनने लगा, मतलब सिंथेटिक इंडिगो शुरू हो गया, नेचुरल इंडिगो जो है उसका जगह कौन ले लिया, तो सिंथेटिक ले लिया। मतलब विच मेड नेचुरल इंडिगो नॉन प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। जो फार्मर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, इनके लिए ये नॉन प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज हो गया नेचुरल इंडिगो, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो अब बहुत ही सस्ता हो गया था, बहुत बड़े पैमाने पे इसको मतलब बनाया जाना, मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गया था। द डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज ड्रास्टिकली एंड केम टू एंड इंड, मतलब ये इंड हुआ ड्रास्टिकली, इसका डिमांड याद रखिएगा, डिमांड ड्रास्टिकली इसका डिक्रीज हुआ। व्हाई? क्योंकि इसका एक अल्टरनेट आ गया था सिंथेटिक इंडिगो, इसीलिए जो नेचुरल इंडिगो था उसका डिमांड, उसका जो ये डिमांड है वो बहुत ही ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ही कम हो गया और अल्टीमेटली वो इंड हो गया, भारत से उनका कल्टीवेशन जो है लगभग ख़त्म हो गया। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन ऑप्शंस को फिर से पढ़िए, 20th सेंचुरी का बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, ये एक फैक्टर्स हो सकता था, पर ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं हो सकता। डिसाइडिंग मतलब याद रखिए, डिसाइडिंग फैक्टर वो होगा जो डिमांड अगर इसका कम हो जाए, है ना, तो वो तो नहीं था। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये आपको नहीं लगता सही है, लगता है ना, क्योंकि न्यू इन्वेंशन हुआ, सिंथेटिक इंडिगो जो है उनका इन्वेंशन हुआ, उसके कारण इस नेचुरल इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो अनप्रॉफिटेबल हो गया, ये बात क्लियर हो गया। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ये बात सही है, गांधी जी चंपारण गए थे, उसमें जो इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा था उसमें जितनी भी ज्यादतियाँ हो रही थी किसानों के साथ, वो बात गांधी जी को बताया गया था, ये सारी चीज़ तो आप जानते हैं। नेशनल लीडर्स ने इसका विरोध किया, शुरू से विरोध किया, नेशनल लीडर ने जहाँ जहाँ किसानों के साथ अत्याचार हुआ शुरुआत से ही उनका विरोध किया, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, पर ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर नहीं होगा, ए नंबर भी आंसर नहीं होगा, और डी तो वैसे ही हम लोग एलिमिनेट कर लिए थे। अर्थात याद रखिएगा, मैं जब बताता हूँ कि कैसे पीटी क्रैक किया जाए, उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, कई आंसर आपको सही लगेंगे, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये बात क्लियर हो गया, अर्थात आंसर बी है। इस तरह का जो आपके ब्रेन का एबिलिटीज है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को निकालना, कूल रखते हुए अपने आप को एग्जाम में, हड़बड़ाहट घबराना नहीं है, तभी आप
इस तरह के आंसर का सही सही आंसर निकालने की। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग, मैं जानता हूँ बहुत लोग इस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में सी नंबर को भी आंसर कर सकते थे, ए नंबर को भी आंसर कर सकते थे, पर इसमें आपकी गलती नहीं है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर है, उसके कारण होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ओपन माइंडेड रहिएगा, अच्छी तरह से तीनों जो ऑप्शन है उसको एनालाइज कीजिएगा, तीनों का कंपेरेटिव स्टडी कीजिएगा, तो अल्टीमेटली आप बी वाले ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे, अर्थात आंसर इसका बी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने आपको इस क्वेश्चंस के सवाल का आंसर बताया, साथ ही साथ तीन मिलता जुलता आंसर में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है उसको कैसे निकाला जाए, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू डियर।